आपको मालूम है पीएचई जम्मू में हमारे मुलाजमीन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स लैंड ओनर्स सीपी वर्कर्स आईटी वर्कर्स हड़ताल पे हैं। 7 फरवरी से हड़ताल चल रही है और जिस दौरान हमारे 2 साथी मौत के आगोश में चले गए हैं, दौरान एहतजाज शहीद हुए हैं सरकार की आदम तवज्जो और बेरुखी की वजह से। हम इसकी पुरजोर में अल्फाज में मदमस करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं जो इसमें आला अफसरान मुलवस है जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी बेरुखी की वजह से ये जो 2 साथी हमारे शहीद हो गए हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनको सजा दी जाए। और साथ ही हम उनसे अपील करना चाहेंगे जो हमारे साथ वादे किए गए हैं हमारे मुतालबात के हवाले से, तनख्वाह की आदम तनख्वाह की वाजिब अदा तनख्वाह की वागुजारी, एसआरओ 520 में तरमीम का वादा और रेगुलराइजेशन पॉलिसी को तेजी के साथ मुस्तकिल के अहकाम सादिर करना, लैंड ओनर उसके हक में मुस्तकिल के अहकाम सादिर करना और यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये मिनिमम वेज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन। सरकार ने वादा किया था कि यूटी के बनने के बाद यहाँ पे वो सारे कानून इंप्लीमेंट किए जाएंगे जो कि यूटीज में होते हैं, वहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया, वहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का स्टेटस अलग है और हमारा अलग है, यहाँ पे वो सारे कानून इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिनसे यहाँ के रियासी आवाम को, यहाँ के जम्मू कश्मीर के आवाम को सख्ती आ सकती है, वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन जो कानून यहाँ के मुलाजमीन के हक में, जो कानून यहाँ के डेली वेजर कैजुअल लेबर आई टी वर्कर और यहाँ के मासूम मुलाजमीन के हक में, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। सरकार यहाँ के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद अपनी तकरीर में कहा था कि यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ इंसाफ फराम किया जाएगा और कल भी उन्होंने कहा कि खुशहाली का दौर स्टार्ट होने जा रहा है। हमें लग रहा है ये बुर्बादी का दौर है क्योंकि हमारे डेली वेजर्स हमारे साथ ही एक ना हर रोज आए रोज मौत के आगोश में चले जाते हैं। हम उनसे इन इंसानी जानों का हिसाब मांग रहे हैं और उनसे अपील हमारी होगी अगर वो मुखलिस है, अगर वो चाहते हैं यहाँ पे खुशहाली का दौर स्टार्ट हो, यहाँ पे खुशहाली के दौर का आगाज हो तो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ इंसाफ किया जाए, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अगर सरकार ने हमारे मामलात के हवाले से, हमारे मुतालबात के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो हमने फैसला कर लिया है जम्मू कश्मीर के आर पर हम एहतजाजी मुहिम छेड़ देंगे जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर